ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके सो आपका एग्जाम है 24th, 23rd को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है. सो प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद में जनरली ज़्यादा टाइम बचता नहीं है. तो 23rd, 24th के अगर हम लोग लास्ट का जो वन वीक देखें, 17 और आज का डेट क्या है 18, तो एक महीना तो बच रहा है और 30 डेज का टाइम है और उसको लास्ट पे करने को छोड़ दो. तो उस समय क्या होता है, इट्स जस्ट अ 2 मिनट अफेयर. अफेयर मतलब ऐसा नहीं, 2 मिनट अफेयर का मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो तुम्हारा मार्क नहीं किया हुआ है. तो अगर मान लो वही सेम बुकलेट या फिर पास पेपर से पूरा छप के आएगा क्वेश्चन, तो उस समय अगर मान लो तुम ये सोच के जाते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे, और अगर एग्जाम में वही आ जाएगा तो बहुत जोर का दुख होगा उस समय. ठीक है, तो 2 मिनट किस ऑर्डर में जाना है, कैसे कैसे करना है, आज हम लोग ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है रिवाइज करने में, ताकि एग्जाम के पहले बिल्कुल भी हम लोग को दिक्कत ना हो. ठीक है, तो हर एक चीज सबसे पहला बार स्टार्ट करने से पहले, लास्ट का जो वन वीक है उसमें हर एक चीज को देख के जाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जस्ट 2 मिनट लगेगा, अगर आंख से एक बार उतार लेगा तो वो चीज़ क्या होगा, एग्जाम में कंफर्ट लेवल बहुत जनरेट हो जाता है कि हमें को आता है, दिखा हुआ है, कर सकते हैं इसको. लेकिन अगर नहीं दिखा होगा तो ब्लैंक हो सकता है वहाँ पर जाके. ठीक है, तो वो वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉपर अभी से पूरा सिलेबस एक बार तो पक्का पड़ेगा, तो प्रॉपर मार्किंग इज रिक्वायर्ड कि किस में मेरे को दिक्कत हो रहा है, ना कि जनरल में किस चीज़ में मेरे को दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ को मेरे को एग्जाम के लिए देख के जाना है, उसका प्रायोरिटीज़ क्या है. ठीक है, तो अभी हम ऑर्डर बता देंगे, हम पूरा सम्स नहीं करेंगे आज हम लोग, बट हम लोग उस चीज़ का फील पूरा ले लेंगे कि कहाँ से कैसे करना है. ठीक है, तो उसके बाद में लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ को देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ छोड़ के मत जाना, एंड कुछ भी नया चीज़ मत करना. नया चीज़ मतलब अगर तुम लोग का ये मेंटालिटी चल रहा है सर कुछ छुटवा दिए उससे आ गया, तो अरे हमको भी पता है हम कुछ बहुत सारी चीज़ छोड़ के पढ़ाए हैं, लेकिन उससे आने का चांसेस बहुत 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 कम है, और अगर आएगा तो भी 5 नंबर 10 नंबर का आएगा. तो बाकी 90 मार्क्स को पहले सिक्योर, 90 में 90 आ जाएगा क्या, 90 में 90 आ जाएगा क्या, नॉट श्योर. तो पहले उस 90 में 90 लाना है, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग फिर उसको देखेंगे. ठीक है, तो अभी भी एक दो क्लास और लेंगे जिसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा पोर्शन हम लोग कवर अप करेंगे, बट ऑलवेज इन दीज प्रोफेशनल एग्जाम्स, अभी आप फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम देने जाओगे, ऑलवेज फॉलो द 90% प्रिंसिपल रूल, डोंट रन आफ्टर 10%. आगे भी तुम लोग पेपर्स दोगे, देखिएगा बहुत बहुत छितराया हुआ टॉपिक्स होता है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स भी होता है, बट उस चीज़ के पीछे भागेंगे तो मेन एरिया पे फोकस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड ऐसा मत करना, फॉर एग्जाम्पल GFLRV ये एक टॉपिक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर CT1 कर रहे हैं तो एक टॉपिक है DPP डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. अभी एग्जाम में आएगा, मान लो 10 नंबर के लिए आएगा, तुम्हें इसमें दे दिया 10 दिन, क्या फ़ायदा है, पूरा वेस्ट कर दिया टाइम, नहीं समझा. मार्क्स वाइज भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक चैप्टर है प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसको करने में मैक्सिमम 2 दिन लगना चाहिए, तुम उसी में 8 दिन बिता दिया तो क्या फ़ायदा फिर. तो अभी का जो एक महीना है बहुत सिलेबस समंदर है, एंड बहुत एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, समय हाथ से निकला जा रहा है दोस्तों. ठीक है, ओके तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल से. पुट द हेडिंग प्रोजेक्ट अप्रेजल. सिर्फ एक कॉपी चाहिए एंड रिविजन और 2 में शेयर कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं. ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल. तो सबसे पहले प्रोजेक्ट अप्रेजल में व्हाट आर द मेजर्स, श्रुति बताओ, व्हाट आर द मेजर्स कि किसे कैसे प्रोजेक्ट को हम लोग एवेल्युएट करते हैं, व्हाट आर द मेजर्स, जोर से बोलो थोड़ा, ये फोन वोन बंद कर देना एकदम, हाँ सब लोग ध्यान देगा एकदम, हाँ बोलो, गुड वेरी गुड. NPV, IRR, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड AP, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. व्हाट इज एनपीवी, वाह नेट प्रेजेंट वैल्यू, वाह टानेंगे, कैश फ्लोज को टानेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस, ओके ये सब छोड़ दे, ये सब तो बच्चा चीज हो गया. एक बात बताना, एकदम बात नहीं करेगा, तुम बताएगा, NPV माइनस 400 आ रहा है. ठीक है, तो 10% में डिस्काउंटिंग किए, 10% में डिस्काउंट किए तो NPV माइनस 400 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम जो सुनना चाहते हैं हमको वो सुनना है. NPV
माइनस 400 आ रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं, आईआरआर कम है। आईआरआर कम क्यों? बिकॉज आईआरआर क्या होता है, एक ऐसा रेट, आईआरआर एक होता है ना, अनेक होता है, एक आईआरआर एक ऐसा रेट है जहां पर क्या होता है प्रेजेंट, एक कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो आईआरआर एक ऐसा रेट है, अभी देखो यहां पर क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कितना से, 400 से, ठीक है। तो एनपीवी को, एनपीवी को बढ़ाना है, लाइक जीरो करना है ना, तो रेट को क्या करेंगे, कम, ठीक है। एनपीवी को बढ़ाना है मतलब रेट को क्या करेंगे, कम, जगह दे देना उधर, ठीक है। एनपीवी को बढ़ाना है मतलब रेट को क्या करना है, कम, ठीक है। तो अच्छा, आईआरआर का मतलब पता है क्या होता है, आईआरआर का मतलब होता है, वो तो ठीक है, तो बुक की डेफिनेशन हो गया, आईआरआर का मतलब होता है फंसा हुआ पैसा पे कितना रिटर्न है, फंसा हुआ पैसा पे कितना रिटर्न कमा रहे। फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लोज देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलसी निकालो, चलो कैलकुलेटर निकालो, मत बोलना कैलकुलेटर भूल गए, चले जाओ, जगह नहीं आज, कैलकुलेटर निकालो। एक बार रफ एस्टिमेट के लिए मान रहे हैं, लेट अस सपोज 20% इज द आईआरआर, आईआरआर कितना है 20%, तो मेरे को क्या करना है, ये चीज याद रखना, आईआरआर इज द रिटर्न अचीव्ड ऑन ब्लॉक्ड फंड्स। अभी मैंने कितना पैसा लगा दिया, 500, तो 500 को एक साल आगे लेके जाओ, कैसे करेंगे, इनटू बोलो 1.2, तो कितना आ रहा है, 600 चाहिए था, रिकवरी कितना 100 का, तो माइनस कर दो, 600 चाहिए था, रिकवरी कितना 100, तो माइनस कर दो, अभी भी कितना रिकवरी बाकी है, 500, 500 फंसा हुआ है, फिर से एक साल आगे लेके जाओ, एक साल आगे लेके जाओ, कितना आ रहा है 600, रिकवरी कितना माइनस कर दो, अभी भी कितना फंसा हुआ है 400, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, कितना 480 आ रहा, कितना है 400, इसका मतलब क्या, एक एक करके बोलो, एक मिनट को, 480 आने से आईआरआर कितना होता, 480 अगर लास्ट वाला, तुम भी जीरो, मैं बोल रहा हूं 480 आने से आईआरआर कितना होता 20, 480 आने से आईआरआर कितना होता 20, 480 से कम है 400 है, तो कितना 20 से कम, और अगर 480 से ज्यादा होता 580, तो कितना होता 20 से ज्यादा, बहुत सिंपल है, नहीं समझा क्या। अभी भी कोई अगर मन में ये लेके चल रहा है कि सर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन इसमें नहीं होता है, प्राइस एंड यील्ड में होता है, प्राइस एंड यील्ड, दिस इज नॉट द प्राइस, जब टानेंगे ना, जब टानने वाला फील आता है तब इनवर्स होता है, ठीक है। तो अभी अगर मान लो इस कैश फ्लो को मैं 480 कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या, आईआरआर कितना 20, 400 मतलब, सुनो 400 का मतलब क्या है, 20% रिटर्न तो कमा ही नहीं पाए ना, मैंने जो सोचा था कि 20% रिटर्न कमाएंगे तो होना चाहिए था कैश फ्लो कितना 480, लेकिन कैश फ्लो हुआ कितना 400, तो रिटर्न कितना 20 से कम। अगर मान लो ये 500 होता तो इसका मतलब क्या है, समवट 21% के आसपास आता, ठीक है। आईआरआर लिख लो, कॉपी में लिखो, आईआरआर इज द रिटर्न अचीव्ड ऑन ब्लॉक फंड्स, आईआरआर इज द रिटर्न अचीव्ड ऑन ब्लॉक फंड्स। मैंने कभी पहले इस तरीके से पढ़ाई नहीं किया, बट हम लोग आज देखते हैं कि कितना सिलेबस कवर होता है, कितना क्विकली हम लोग रिविजन कर पाते हैं, ताकि एग्जाम के पहले हम लोग को पता चल जाए फ्लो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगेन, व्हाट इज पेबैक पीरियड, व्हाट इज पेबैक पीरियड, टाइम वैल्यू फनी नहीं लेते हैं, पैसा जब तक वापस आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पेबैक पीरियड। व्हाट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक ऐसा टाइम, एक तुम लोग चीज नहीं समझा अभी तक, तुम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करेगा, अलग अलग कैटेगरीज है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो जब बोलेगा ना वैल्यू टर्म्स में बताइए कौन सा बढ़िया, तो कौन सा चेक करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब बोलेगा रेट बताइए तो आईआरआर, एक क्वेश्चन था इसमें, आईआरआर आ रहा है 6%, कॉस्ट ऑफ फंड्स है 10%, बताओ प्रोजेक्ट इज वायबल और नॉट, नॉट वायबल, प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं है, क्यों वायबल नहीं है, 10% पे पैसा बोरो करके 6% लगा रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, इसे अच्छा मत बोरो कीजिए, मत बिजनेस कीजिए, ठीक है। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ जो फंड्स है उससे तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में भी मान लो एक प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रहा है 16 का, एक प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रहा है 18 का, कॉस्ट ऑफ फंड्स 10%, विच ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज वायबल, बोथ, बोथ, ज्ञान मत देना वहां पर उसको, तुम्हारा ज्ञान का कोई दरकार नहीं है,
उसको तुम्हारा ज्ञान का कोई दरकार ही नहीं है। आई थिंक, नो यू डोंट थिंक, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एनपीवी को अक्यूमुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अपना एनपीवी बहुत बार क्या है, एपी में सम्स बिल्कुल कम है, तो एनपीवी बहुत बार क्या है, तो क्या करेंगे, एनपीवी को एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में अक्यूमुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, बस लैपटॉप हटा दो ना वैसे विकास, तुम उठ जाओ वैसे, तुम इधर बैठ जाओ, मेरे चेयर पे बैठ जाओ, रिवीजन नोट्स में आओ। सेवेंटीन बुकलेट थ्री का क्वेश्चन नंबर 17। नाउ व्हाई 17? व्हाई 17 ओनली? क्योंकि इसमें हम लोग का पेमेंट स्ट्रीम भी हो जाएगा संग संग, ठीक है। तो एक बच्चा है जो 100 घंटा पढ़ के भी रिवीजन नहीं कर पा रहे, व्हाई 17 ओनली? इसमें हम लोग का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी हो जाएगा एंड संग संग हम लोग का रोटी का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 17 वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, 17 वाला क्वेश्चन पढ़ लो। डेल्टा टी का फंक्शन दे दिया, 5 पे एक ब्रेक है। द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट इज अ पेमेंट ऑफ 1 लाख एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड अ फर्दर पेमेंट ऑफ 80,000 एट t इज इक्वल टू 2। तो ये सारा क्या है, आउटफ्लोज। तो आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। द इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज अ पेमेंट स्ट्रीम पेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 12 अंडर विच द एनुअल रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम t इज दिस। एक बात बताना, 8 से 12 पेमेंट हो रहा है तो आउटफ्लो सारा लेंगे ना, कुछ को छोड़ देंगे, सारा लेंगे। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसे बोलता, एक आउटफ्लो हो रहा है टाइम 11 पे, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि सारा ही आउटफ्लो आएगा, बिकॉज डीपीपी निकालना है ना। डीपीपी का मतलब देखो क्या है, ये टाइम पीरियड जहां पर क्या, बोलो विकास, ये दोनों फैन चला दो, ये टाइम पीरियड जहां पर क्या, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। इस टाइम पीरियड के बाद भी तो इनफ्लोज आउटफ्लोज हुआ ही होगा, डीपीपी को मतलब नहीं है। डीपीपी को सिर्फ इस टाइम पीरियड तक का इनफ्लोज एंड इस टाइम पीरियड तक का आउटफ्लोज से मतलब है, इसके बाद जो कुछ भी उससे डीपीपी को मतलब नहीं है। हो सकता है एनपीवी पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ, फिर से नेगेटिव हो जाए, बट जब वो पॉजिटिव हुआ ना, मेरे को बस खाली वो वाला पॉइंट चाहिए, वहीं पर डीपीपी अचीव हो गया, मेरे को फर्स्ट टाइम कैश फ्लोज टर्निंग पॉजिटिव। अब डीपीपी दो तरीके का होता है, जैसे यहां पर तो कंटिन्यूअस कैश फ्लोज है तो एकदम पूरा एग्जैक्ट वो पॉइंट निकलेगा, एग्जैक्ट वो पॉइंट निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल 10.93, तो 10.93 आंसर होगा इनकेस ऑफ कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। लेकिन अगर मान लो मैथ्स बोलता है कि टी आ रहा है 10.93 बट कैश फ्लोज खाली एंड ऑफ द ईयर पे ही हो रहा है 10, 11, 12, 13 इस तरीके से, तो आंसर क्या होगा, 11 मंथ, कोई बात नहीं, मंथ के स्टार्ट में, सॉरी मंथ बोल रहा हूं, ईयर के स्टार्ट में हो रहा है, तब आंसर क्या होगा, ईयर के स्टार्ट में ही खाली कैश फ्लोज हो रहा है, टी आया 10.93 एंड ईयर के स्टार्ट में हो रहा, तो बताओ 11 ईयर ही होगा, मतलब बोलना क्या, 12th ईयर का फर्स्ट डे, 12th ईयर का फर्स्ट डे, राइट, इसे हम लोग कर चुके पहले भी। ओके, ये क्वेश्चन करो, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, जो कि बहुत सिंपल है, बताना कैसे निकालते हैं, 100 वर्क, अच्छा सुनो, 100 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, 100 क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग इन थाउजेंड्स। ओके, तो 100 एक्सपोनेंशियल माइनस कहां से कहां तक, बोलना, सॉरी 100 का तो कैश फ्लो कहां पर है, जीरो पर ही है, ठीक है, प्लस 80 एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो से टू, यही तो होगा ना, बिकॉज टाइम टू पर है, तो दो सकल डिस्काउंटिंग फैक्टर डेल्टा टी डी टी, ये हो गया, समझ आया सबको कैसे निकाल रहे हैं, याद आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, एक्सपोनेंशियल के बाद में इंटीग्रेशन है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ नेट में कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल के बाद इंटीग्रेशन होता है तो, मतलब जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसको ए के पावर में डाल देंगे। लेकिन अपने वो करते थे ना, लाइक जहां पर क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, उस केस में क्या करते थे, उस वाले केस में क्या करेंगे बताओ, ई टू द पावर बी माइनस, माने जो भी आ रहा है उसको पहले एक्सपोनेंशियल माइनस से प्लस, जो भी माइनस अलग से, फिर ई के पावर में, वैसे करके, ठीक है। तो ओके,
तो ये आ गया आउटफ्लोस का, ये बता हाथ में डालो, एक मिनट दे रहे। एवा इनफ्लोज देखना, पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट घर पे करेंगे। इनफ्लोज एवा देखना, इनफ्लोज कैसे होगा बताना एक बार मेरे को। मेरे को कहां से कहां तक का चाहिए, 8 से 12 चाहिए कि 8 से T चाहिए? अगर एनपीवी, क्वेश्चन चेंज कर दे, एनपीवी बोलता तो क्या करते, अगर एनपीवी बोलता तो क्या करते, 8 से 12। अरे एनपीवी में तो पूरा ही चाहिए ना, लेकिन अभी मेरे को पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ उस टाइम पीरियड तक का कैश फ्लो चाहिए जहां पर मेरा क्या हो जाए, एनपीवी जीरो। जहां पर एनपीवी जीरो वहीं पर क्या हो जाता है, डीपीपी होता है, ठीक है? तो क्या होगा बताना। अच्छा एक बार मेरे को रुको, एक मिनट को, कैश फ्लो कहां स्टार्ट हो रहा है, 8 से। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज V0 to 8, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ₹1 व्हिच इज देयर, व्हिच इज स्टैंडिंग एट टाइम 8, उसका प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0, एंड व्हाट इज A0 to 8, टाइम 0 पे कोई कैश फ्लो है उसको टाइम 8 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो ओके, तो ये हम लोग कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस 0 से 5, फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस 5 से 8। क्यों माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, गुड। इसके बाद में टाइम 8 पे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू टाइम 8 पे इनकम स्ट्रीम का बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, राशि बताओ। हाँ, 8 to T रोटी, व्हाट इज रोटी, व्हाट इज रोटी, यही तो ना रोटी, रोटी का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो एट टाइम टी। रोटी को रोटी की तरह क्यों देख रहे हो, डिफिकल्टी क्या है इसमें, रोटी का मतलब क्या है, टाइम टी पे कितना का पेमेंट हो रहा है, तो टाइम टी पे कितना का पेमेंट हो रहा है, 100 e to the power 0.001 t, 100 e to the power 0.001 t, एक्सपोनेंशियल माइनस कहां पर लाना है, कहां पर लाना है बोलना प्लीज, टाइम 8 पे लाना है, टाइम टी पर जो कैश फ्लो हुआ है, ठीक है? 12 नहीं होगा, 12। रुको मैं बता रहा हूं, सुनो, वेरिएबल हम दूसरा कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझाने के लिए बता रहे थे। मान लो इसको आर कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ये वाला, लेकिन 12 नहीं होगा, ये आर या फिर कुछ भी डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल माइनस 8 to T डेल्टा एस डी एस होल इंटू डी आर, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो क्या चीज, 8 to 12, अगर 12 कर देंगे तब तो पूरा इनकम स्ट्रीम का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ना, अगर हम लोग 12 कर देंगे तब तो पूरा इनकम स्ट्रीम का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, वो थोड़ी चाहिए, पूरा इनकम, पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम माइनस पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो करेंगे तो क्या आएगा, एनपीवी आ जाएगा वो तो। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, डीपीपी कैसे निकलता है, एनपीवी जीरो, एनपीवी जीरो मतलब क्या, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। अभी ये वाला पार्ट क्या है, इसमें देख नहीं रहे दोनों बोर्ड पे, क्या आर लिया है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जैसे ये कहाँ पर आया, ये कहाँ पर आया, टाइम 8 पे, अगर इसमें वी 0 to 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम कहाँ पर, टाइम 0 पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जिसका इक्वेशन बनाए थे। अब वहां से सॉल्व करके क्या निकालना है, ये वाला आर, अब वहां से सॉल्व करके ये आर निकालेंगे, ठीक है? तो ओके, अगर 12 तक का ले लेंगे तो पूरा इनकम स्ट्रीम आ जाएगा ना, पूरा इनकम स्ट्रीम को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एनपीवी, ठीक है? इसी में लिख दो एक क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बुकलेट में लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट द एनपीवी, ऑल्सो कैलकुलेट द एनपीवी, ऑल्सो कैलकुलेट द एनपीवी, ये वाला डीटी होगा, हाँ
आर के जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कैपिटल टी कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, अभी ए भाई देखना, अब जैसे ये वाला जो आएगा, जब इसको वी जीरो टू एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी जीरो टू एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अच्छा, आउटफ्लो सारा लिए हैं। क्यों आउटफ्लो सारा लिए हैं? बिकॉज आठ के पहले पहले सारा आउटफ्लो हो गया था ना। माने बोलने का मतलब क्या है, इनकम स्टार्ट होने के पहले ही सारा आउटफ्लो हो गया था, तो सारा ही आउटफ्लो आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, डिवेट कर रहे हैं, एक मिनट रुकना। कम टू क्वेश्चन नंबर 29 में आओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 29 में आओ एक बार, डिवेट कर रहे हैं, इसी बुकलेट का 29 में आओ एवं फटाफट पर्सनल में इसका क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ थ्री पेमेंट्स ईच ऑफ 1,05,000, मतलब 1,05,000 का तीन कैश फ्लोज होगा। द फर्स्ट इज ड्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द सेकंड 6 months लेटर, एंड द थर्ड इज ड्यू 1 year आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आफ्टर 15 years, आफ्टर आप दिक्कत होगा इसमें, दिक्कत क्या है इसमें कि अब इस कैश फ्लो को ले कि नहीं ले, तो उसके लिए एक रफ एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। रफ एस्टिमेट का हम लोग का कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैसे फॉलो करते हैं? इनफ्लोस को कमाते हैं एंड एक्सपेंस को बढ़ा के दिखाते हैं। अगर तभी भी हम लोग को पता चलता है देख के कि किसको लेना है, मतलब इसको लेना है, ठीक है। तो अच्छा मान लो हो सकता है कि मेरा डीपीपी अचीव हो जाए 10 साल में, तब तो ये 15 साल वाला आउटफ्लो का कोई काम ही नहीं है ना। लेकिन इस केस में मेरा डीपीपी आएगा समथिंग 29 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो उस केस में तो इसको लेना है। लेकिन हम लोग को एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है? तो एक रफ एस्टिमेट निकालेंगे। अब तुम लोग हमको ये क्वेश्चन करेगा कि भैया अगर रफ एस्टिमेट निकाले और आंसर 0 के आसपास, ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हम लोग को कैलकुलेट करने में। बहुत क्लियर कट दिखाई देगा, ये करा दूंगा, बहुत क्लियर कट दिखाई देगा हम लोग को क्या चीज कि मतलब हम लोग को उस चीज को लेना है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा था मैं, सारा इनफ्लोस को नहीं लेना है, सिर्फ उतना ही इनफ्लोस को लेना है जहां पर क्या हो जाए, जहां पर क्या हो जाए एनपीवी 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा तो वापस उसी क्वेश्चन में आओ, यहां से मेरा आर आ जाएगा क्या सॉल्व करके? ये लोग क्वेश्चन सब लोग कर पाएंगे? यहां से मेरा आर आ जाएगा सॉल्व करके? ओके अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट जो मैंने लिखवाया है, ऑल्सो कैलकुलेट द एनपीवी, वो कैसे करेंगे? एक चेंज करेंगे, क्या करेंगे? एक चेंज करेंगे, क्या चीज बताओ? 8 से 12 कर देंगे उसको, ठीक है। तो 8 से 12 कर देंगे उसको, ठीक है। ओके मिटाऊं, क्वेश्चन समझ में आया? ओके ट्वेंटी नाइन में आओ एक बार, अच्छा 2 मिनट का टाइम दे, बस क्वेश्चन को सजा लेना, फिर 29 पढ़ना है, ठीक है। 29 नेक्स्ट करेंगे, 29 में आना, 29 में आओ।
क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। कैसी बोल, पानी दे विकास, पानी दे फटाफट, पानी दे। अच्छा जीरो पे एक हो रहा है। अच्छा वर्किंग इन थाउजेंड्स करेंगे ना, वर्किंग ओपन फिगर्स थाउजेंड्स, बिकॉज तीन जीरो तो क्लियरली दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये सब में गलती ना हो जाए, जीरो जीरो लिखते पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ थ्री पेमेंट्स ईच ऑफ 1,05,000। द फर्स्ट इज ड्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द सेकंड 6 months लेटर, एंड द थर्ड पेमेंट इज ड्यू 1 year आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आफ्टर 15 years इट इज अज्यूम दैट अ मेजर रिफर्बिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी, कुछ उसमें रिफर्बिशमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें कितना रुपए लग गया, 2 lakh, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस, आई अनलाइन करो, अनलाइन करो, वहां पर कंटिन्यूअस से याद आया, एक बार डिविएट कर रहे हैं कंटिन्यूअस। देखो ये तो अच्छा बच्चा है, जो बच्चा बदमाश होता है ना, देखो दिखाते हैं, आओ इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कंटिन्यूअस कैन बी डिवास्टेटिंग ऑल्सो, देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ना, उसका लास्ट पैरा, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ द रेगुलेशंस इन देयर फर्स्ट 20 years एट अ रेट ऑफ दिस, अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। बच्चा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो स्टार्ट किया, सजा सजा के लिख रहा है, अरियर एडवांस सब खत्म। जो बच्चा पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो खत्म हो गया, तो ठीक है। तो इसीलिए अगर एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया ना, मतलब अगर तुमको समझ में आ गया, गलती दिख गया है, तो वहां पर फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, मतलब समझा 15 नंबर पेपर पक्का छूटेगा ही छूटेगा, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन है 12 नंबर का, इसको करने में मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो और अगर 20 मिनट गया, कुछ कुछ पोर्शन तो डिफिकल्ट भी होगा पेपर में, तो उसको उसमें टाइम स्पेंड करेंगे ना। फर्स्ट आवर 40 मार्क्स श्योर शॉट, जो देखा हुआ भी है एंड किया हुआ भी है पहले उसको करेंगे, उसके बाद जो देखा देखा है लेकिन उतना अच्छा से धुंधला धुंधला दिख रहा है तो फिर उसको ट्राई करेंगे, एकदम नया है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट टाइम देख रहा है कुछ, तो उसको फिर लास्ट का 1 hour में करेंगे, ठीक है। तो पहला 1 घंटा में 40 नंबर अगर कर लिया ना, फिर समझ लेना फिर पास हो जाएगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि वो देखा हुआ भी होगा और किया हुआ भी होगा, पक्का से मिलेगा ही मिलेगा 40 नंबर, ठीक है। तो ओके, तो ये लिखते हो, वो उससे याद आया कंटिन्यूअस से, तो वहाँ पर लिख लो प्लीज, मेंटेन के ऊपर लिख लो, प्लीज सी द लास्ट पैरा ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज सी द लास्ट पैरा ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान में आ जाएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक और छोटा सा एडवाइस दे रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। अभी जैसे मान लो तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जनरली होता क्या, तुम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर तुम उसका क्या मांगा है क्वेश्चन में वो पढ़ता है, बट एक छोटा सा एडवाइस दे रहे हैं, पहले ये पढ़ो कि क्या मांगा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इज 4000, मतलब क्या बोला है, दिखाइए नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दिस, अब तुमको पता चल गया तुमको क्या क्या निकालना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, अब तुमको समझ दिमाग में चलेगा, शुरू से चलेगा, इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग, इस चीज को बोलते हैं एक्टिव रीडिंग, इट सेव लॉट ऑफ टाइम। जो क्वेश्चन को तुम 2 बार पढ़ता था उसको तुमको 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। संग संग मार्किंग करते गया, हाँ मेरे को एनपीवी डीपीपी ये सब काम का है, ये सब काम का नहीं है, ठीक है। तो टाइम सेव होता है बहुत, ओके। 20,000 23,000 इन द सेकेंड ईयर, तो 20,000 इन द सेकेंड ईयर इसका मतलब क्या है, 20,000 a बार 1 करेंगे तो कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे, 20,000 a बार 1 करेंगे तो कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे, इनटू वी, 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, वी 2 साल का, ये सब बताते हैं, 29,000 इन द फिफ्थ ईयर, उसके बाद में क्या चीज, आईए नहीं करना पड़ेगा, आईए नहीं है, सिंपल देखो आईए कंपाउंड इंक्रीज है, एक रेट से बढ़ने से कौन सा कंपाउंड, सिंपल अमाउंट, सिंपल अमाउंट का एग्जांपल दे क्या, 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000, क्या ये सिंपल इंक्रीज, ठीक है। तो अगर 5% कंपाउंड से फीस बढ़ाते तो कैसा होता, 25,000 25,000 into 1.05 25,000 into 1.05 का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। देयर आफ्टर द कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 3% पर एनम एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, द इनकम स्ट्रीम इज एक्सपेक्टेड टू सीज एट द एंड ऑफ द 30th ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कितना साल इनकम स्ट्रीम होगा, 29। अरे इस समय कंफ्यूजन मत कर देना, अभी तो तुम लोग क्या करता है, क्वेश्चन देखता है सॉल्यूशन देखता है, हाँ सब ठीक है, एग्जाम ऐसे नहीं होगा ना। तो
उसके लिए एट द एंड ऑफ 30 ईयर का मतलब क्या हो गया, 29 ईयर्स तक कैश फ्लो होगा, ठीक है। एनपीवी का इक्वेशन बनाओ, स्टार्ट करो, देखे एनपीवी का इक्वेशन बनाओ, एक और पीस ऑफ एडवाइस, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन में पूरा सब कुछ सेम रहेगा, अगर पता है, जैसे ये तो ये बोला ना अच्छा बच्चा है, डीपीपी अगर पहले देता और एनपीवी बाद में देता ना, तो एनपीवी पहले करना, एनपीवी पहले क्यों करना, बिकॉज एनपीवी अपना कंट्रोल है, तुम डीपीपी का इक्वेशन में ना टी टा में कंफ्यूज हो जाता, इसमें क्या एनपीवी का जब इक्वेशन बैठाएगा पूरा एक बार तब तुमको समझ में आ जाएगा कि जो लास्ट वाला है ना उसके जगह उसके लिए टी डालना है, और जब एनपीवी का कैलकुलेशन करके ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना एग्जाम में। तो ब्रेक कर रहे हैं सबको, लिख देना इनिशियल आउटफ्लोज, इनिशियल आउटफ्लोज। तो इनिशियल आउटफ्लोज में क्या क्या आएगा बताना, -105 वी टू द पावर हाफ, -105 वी, और क्या आएगा एनपीवी में, -200 वी टू द पावर 15, ओके। उसके बाद में इनिशियल को काट दे रहा, आउटफ्लोज दिख रहा, ठीक है। इनफ्लोज ग्रुपिज्म करके करेंगे, पहला 5 साल का अलग, पहला 5 साल का अलग, उसके बाद का अलग, क्योंकि पहला 5 साल वाला जो है ना वो हम लोग को काम आ जाएगा, जब नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग उसमें काम आ जाएगा पूरा एज इट इज बोला, ठीक है। इनफ्लोज तो कैसे करेंगे बताना, 20 क्या था, 20 से था ना, तो 20 ए बार वन बार बार नहीं लिखेंगे, 20V प्लस नेक्स्ट बोलो 23V² प्लस .. प्लस 29। आपको अगर ये सोच रहे यहाँ पर हम आईए का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेवकूफ है, अरे रेट देखो, रेट कितना दिया हुआ है, रेट देखो एक बार, 8% दिया हुआ है, टेबल में जाएगा V² VQ सबका वैल्यू मिल जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा। आईए में मत जाना, आईए में तभी जाना जब कंपल्सरी हो आईए में जाना, वरना आईए में मत जाना, ठीक है, इसमें एकदम डायरेक्टली हो जाएगा। इसके बाद में 6th ईयर का बात करो, तो एक बार 6th ईयर का कैसे करेंगे बताना, 29 × 1.03 फिर A^1 फिर V^5, बिकॉज 6th ईयर है ना, 6th ईयर तो क्या हो रहा है V^5, ठीक है। अच्छा .. लास्ट ईयर का क्या होगा बताना, लास्ट ईयर का क्या होगा बताना, 29 सोच के बताओ, 30th ईयर का क्या हो जाएगा, अगर 6th ईयर में पावर में 1 है, हाँ और वी के पावर में क्या होगा, एक मिनट कॉपी मत करो, एक मिनट रुको अभी देखो क्वेश्चन का मार्क्स बताना, कितना नंबर का है, 12 नंबर का है, तो बच्चों को पता क्या बोलेगा, ए डीबीपी रे छोड़ दे भाई छोड़ दे, नेक्स्ट टर्म कुछ है ही नहीं इसमें, अगर ये किसी को समझ में आ रहा है ना तो डीबीपी में कुछ भी नहीं करना है, डीबीपी में कुछ भी नहीं करना है, अगर वो 25 के जगह में टी डाल दें तो 29 के जगह में क्या आएगा, बहुत बच्चों बोले T+5 T+4 आ रहा है, देख के देख, अरे 25 20 कितना का गैप है, 4 का ना, तो अगर 20 एक बात और एक बता दे रहे हैं, 25 की जगह में अगर टी डाला है तो इसका मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल टी का वैल्यू आ रहा है 24, तो 24 डीपीपी नहीं है, अरे 6th ईयर में कितना आया था, 1, बोर्ड पे देखो 6th ईयर में 1 आया था, तो 6th ईयर में 1 आया था, गैप में खेलना सीखो, गैप में नहीं खेलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, 25 की जगह में रेड में देखना, एनपीपी में किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये कोई गलत कुछ गलत लिखेगा, ठीक है सही है ना। अच्छा यहां पर मैं डाल रहा हूं टी, तो यहां पर क्या डालूंगा देख के बताओ, T+4 गैप अगेन, यहां से तुमको टी का वैल्यू सॉल्व करना है, वो तो तुम कर लेगा, अरे एल्जेब्रा वो तो कर लेगा ना, उसको करने के बाद में टी का वैल्यू आएगा, अगर बच्चा स्ट्रेस लेके एग्जाम में गया है या फिर ऐसा तो नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, जितना ओपन माइंडेडली एग्जाम देगा ना उतना अच्छा नंबर आएगा। मैं कभी पढ़ के नहीं जाता था लेकिन मैं सब में पास किया, क्यों, बिकॉज मैं स्ट्रेस नहीं लेता था एग्जाम में, हो सकता है 30 नंबर का क्वेश्चन दे देखते हो, मेरे टर्म में दिया है, प्रोजेक्ट अप्रेजल डिफिकल्ट आना कब से स्टार्ट हुआ, मेरे टर्म से,
26 नंबर का क्वेश्चन दिया था, इक्वेशन कैलकुलेटर में फीड नहीं हो रहा था, इसका इक्वेशन मेरे को फीड करना ही नहीं था कैलकुलेटर में, तो ये सब एग्जाम में बैठ के ही समझ में आएगा। तो कमिंग टू मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, टी दिया हुआ है, टी प्लस फोर दिया हुआ है, इसके बाद में देखना। तो यहां पर क्या है, अगर मान लो टी का वैल्यू आ रहा है 24 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब क्या है, फाइनल आंसर कितना होगा, प्लस 5। अरे क्योंकि यहां पर तो पावर में 1 है ना, 1.03 के पावर में 1 है, मतलब 6th ईयर के हिसाब से 24 पॉइंट समथिंग आया है, तो पहला 5 साल को भी तो काउंट करना पड़ेगा। इनकम जब से स्टार्ट होता है वहां से डीपीपी नहीं देखते हैं, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से देखते हैं, ठीक है। एक और इसी में डिवेट कर रहे हल्का सा, 23 का पढ़ना एक बार, 23 कराएंगे नहीं, पढ़ो तो सिमिलर टाइप है, 23 बार पढ़ो। सेकेंड पैरा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इन्वेस्टमेंट विल प्रोवाइड इनकम ओवर अ 15 ईयर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। सेम तरीका से करेगा, सेम तरीका से करेगा, तो जब सेम तरीका से करेगा तो अंदर में कुछ आएगा, अरे अंदर में कुछ आएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें टी का वैल्यू आ रहा है 8.1, तो बाहर में तो 20 स्क्वायर होगा ना, बाहर में तो, अरे क्योंकि थर्ड ईयर से स्टार्ट हो रहा है, इमेजिन करो जब इक्वेशन बना रहा होगा तो 20 पर तो बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले पार्ट को तुम लास्ट में टी लेगा ना, तो अंदर वाले के हिसाब से 8.1, माने कितना साल का इनकम स्ट्रीम यूज करें, 8.1 ईयर्स, बट उसमें तो इनकम स्ट्रीम स्टार्ट कब से हो रहा है, थर्ड ईयर से, तो प्लस 2, तो प्लस 2, ठीक है। ए बाईस वाले पार्ट को एनपीवी वाला कॉपी कर लेना, एंड चेंज ऐसे लिखना, चेंज इन डीपीपी, तो चेंज इन डीपीपी में बस कल इसमें कॉपी कर लेना, चेंज इन डीपीपी टी टी प्लस 4, ढंग से कॉपी कर लो, चेंज इन डीपीपी, क्या चीज, हाँ वो बता रहे, भूल गए, बता रहे, चेंज इन डीपीपी, हाँ क्या चीज, अरे ए बार वन है ना, तो एक साल और होगा, इसीलिए ए बार वन है ना, हाँ 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 नहीं, हाँ हाँ बता रहे, ट्वेंटी नाइन, वो फिर करना पड़ेगा, वो फिर पूरा बनाना पड़ेगा, फिर से बना के देखो क्या आ रहा है, क्या चीज, 15 इयर्स, वो बता रहे रफ एस्टिमेट अभी दे रहे, ठीक है ध्रुव। नाउ ठीक है, इशिका ठीक है, डीपीपी वाला, उसके बाद में लिखना होमवर्क, होमवर्क प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 23, 23 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अभी रफ एस्टिमेट ना, इस सम से रफ एस्टिमेट नहीं दे रहे हैं, रफ एस्टिमेट क्वेश्चन नंबर 8 से दे रहे हैं, ताकि दोनों सम कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करने से होता है, समय कम नहीं है, अब वो दिन गए कि आप लोग सब कोल्हू के बैल बनो, 6-6 महीना साल साल बन, नहीं है हमारे पास स्ट्रैटेजी पढ़ने का, तो लोग 20 दिन में करके दिखाएंगे वही चीज, कॉपी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। एक और टाइप का सम आता है डीपीपी में, उसमें पता है क्या बोलता है, मान लो 15 साल का इनकम स्ट्रीम है या फिर 25 साल 30 साल का इनकम स्ट्रीम है, तो बोलता है लोन ले रखे हैं, तो लोन ले रखे हैं तो डीपीपी जब अचीव होगा तब तक तो लोन चुकाएंगे,
डीपीपी जब तक अचीव होगा तब तक तो लोन चुकाएंगे ना, बिकॉज इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो गया. बोलता है उसके बाद में पैसा जो सरप्लस बचेगा उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट. तो बोलता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकाल के दिखाओ. फॉर दैट वी आर गोइंग टू वन मोर सम उसके बाद में, ठीक है, फिर डीपीपी वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा. ठीक सर, मैं यही टाइप का क्वेश्चन आता है. बोलेगा लोन ले रखे हैं, तो लोन ले लिया है, अब लोन ले लिया तो इनकम धीरे धीरे आ रहा है, तो उससे लोन धीरे धीरे चुका रहे हैं, तो लोन कब तक चुकेगा, डीपीपी जब अचीव होगा. ठीक है, तो डीपीपी के बाद में मान लो 5-6 साल और बचा हुआ है, तो उस समय क्या होगा, सरप्लस प्रॉफिट जनरेट होगा. ठीक है, ओके. तो 8 पढ़ रहे हैं, 8 सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे ताकि एक रफ एस्टिमेट दे पाए, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है. अ प्रॉपर्टी डेवलपर इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस. इट इज एंटिसिपेटेड दैट द ऑफिसेस विल टेक 6 months टू बिल्ड. द डेवलपर इनकर्स कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फॉलोड बाई 3 million एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फॉलोइंग 6 months. तो 3, 6, 18 और 40, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया. मैं बोल रहा हूं आउटफ्लोस को बढ़ा देंगे, इनफ्लोस को कमा देंगे, और अगर तब भी मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है तब फिर उसको लेना है. ठीक है, तो इसको मैं एकदम एग्जैक्ट एज इट इज ले रहा हूं 58. उसके आगे देखना, इट इज एक्सपेक्टेड दैट रेंटल इनकम फ्रॉम द ऑफिसेस विल बी 1 million पर मंथ. 1 million पर मंथ मतलब साल का कितना हो गया, 12. अच्छा, अब इसको तुम लोग पढ़ेगा तो पता चलेगा 2 million पर एनम का खर्चा है, मतलब हर महीना कितना का खर्चा है, 1/6. 2/12 कितना होता है, 1/6. पढ़ो इसको देखो, 1 million पर मंथ विच विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ बिगनिंग विद द 7th month. मतलब पहला 6 महीना को भूल जाना, जो भी आंसर आएगा ना उसमें पहला 6 महीना ऐड करेंगे. पहला 6 महीने मैंने समझो कि आधा साल के बाद से जो भी स्टार्ट हो रहा है, उतना भी एग्जैक्टली नहीं करना है कि हम लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर आए, एग्जैक्ट नहीं करना है हम लोग को. ठीक है, तो रफ 6 महीना के बाद से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मेंटेनेंस एंड मिला सबको, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट मिला. मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट पेड बाय द डेवलपर आर एक्सपेक्टेड टू बी 2 million पर एनम पेबल मंथली इन अरियर विद द फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द 7th month. तो 2 million पर एनम है. बच्चा कंफ्यूज, बच्चा क्या बोलेगा, ए देख रहे 1 million आ रहा है, 2 million जा रहा है, दिक्कत. दिक्कत नहीं बेटा, 2 million पर एनम दिया हुआ है एंड 1 million पर मंथ है. तो 2/12 करेंगे तो नेट में हर महीना कितना बच रहा है, 5/6. मैं बोल रहा हूँ नेट में हर महीना कितना बच रहा है, 5/6. ओके, कितना का खर्चा रिकवरी करना है, 58. बोलो ना, हाँ, कितना का खर्चा रिकवरी करना है, 58. ओके, तो 5 देखो. अभी इसमें एक दिक्कत क्या है, तुम लोग क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, द ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड 25 years आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 60 million. बोलता 25 साल बाद जब ब्लॉक को बेचेंगे 60 million में, तो बोलता है कि इस बोलता है इसको लेंगे कि नहीं लेंगे डीपीपी में, उसका हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं. ठीक है, तो 5/6 हो रहा है. तो देखो 5/6 इंटू टी इज इक्वल टू 58. बताना कितना आ रहा है, ये हर महीना का कैलकुलेशन हो रहा है, हर महीना का कैलकुलेशन हो रहा है. 5/6 इंटू टी इज इक्वल टू 58. बताओ टी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 69.6. 69.6 मतलब 70 महीना. 70 महीना में 6 महीना ऐड कर दो. पहला 6 महीना याद आ रहा है, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट कहां से हो रहा था, 6 महीना. तो कितना हो गया, 76 डिवाइड बाई 12 6.33. 25 साल बाद का इनफ्लो का बात हो रहा है, डबल कर दो, 6.33 का डबल कर दो, कितना आ रहा है, 12. फिर भी देखो 25 साल नहीं आ रहा है, तो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे. प्रूडेंट एस्टिमेट, प्रूडेंट एस्टिमेट. 6.33 मेरा पे बैक पीरियड के रफली आ रहा था, ये जा रहा है पे बैक. मेरे को तो डीपीपी निकालना है ना, तो इनफ्लो तो धीरे धीरे आ रहा है लेकिन आउटफ्लो भी तो अक्यूमुलेट होगा. इसका मतलब क्या है, अगर इसको प्रोजेक्ट को हम लोन के हिसाब से समझाएं, तो 58 lakhs का लोन ले लिए, मैंने 58 crores कुछ भी समझ लो, 58 का लोन ले लिए, 6 महीना बाद से इनफ्लो नेट में आना स्टार्ट होगा, कितना का, 5/6 का. ठीक है, तो इंटरेस्ट भी जाएगा, प्रिंसिपल भी जाएगा, इसलिए मैंने डबल कर दिया उसको, इसलिए मैंने उसको डबल करके भी ट्रिपल भी कर देगा तो भी कितना होगा, तो भी 25 साल अचीव नहीं होगा, तो भी 25 साल अचीव नहीं होगा. इसका आंसर पता है कितना आ रहा है, 112 को डिवाइड करो तो 12 से कितना आ रहा है, 112 को डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 12 से 10 साल के अंदर अंदर आ रहा है ना, 10 साल के अंदर अंदर आ रहा है ना, किसको, ऑब्वियसली गलत होगा. तुमको तो कितना आ रहा था आंसर, एक बार बताना, 112 डिवाइड पे 12
9.33 इसका आंसर है, तो 9.33 के बाद का ना तो इनफ्लो आएगा ना फिर आउटफ्लो आएगा, 9.33 के बाद का ना तो इनफ्लो आएगा ना आउटफ्लो आएगा, ठीक है। तो लास्ट समॉन डीबीपी, फोर्टी फोर। एक और होमवर्क लिख लेना, 39 होमवर्क, 39 इस वीडियो में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, अगर कोई भी फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको भी देख लेना, ठीक है। 39 होमवर्क है। अच्छा, इस बुकलेट में जो भी थियरी क्वेश्चंस है उसको अवॉइड करना है, ऑप्शंस फ्यूचर्स ये सब का नहीं है, सब CM2 में है। एंड जो भी TWRR, MWRR, LIRR सब आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना है। तो बुकलेट तो ऐसे ही हल्का हो गया। फोर्टी फोर पढ़ो सब लोग, 44 पढ़ना, एक बार पढ़ो। मेरा मन में इंट्यूशन आ रहा है कि डीपीपी अब क्या पक्का पक्का देगा, तो प्लीज छोड़ के मत चले जाना। लास्ट टर्म का थ्योरी पेपर वॉज एकदम, मतलब कुछ भी नहीं दिया था, प्रॉफिट टेस्टिंग तो देगा ही देगा, लिखवा लो मेरे से, और इससे एक बड़ा क्वेश्चन देगा ही देगा, श्योर श्योर बात है। इससे टर्म स्ट्रक्चर से, इंडेक्सिंग बॉन्ड से, ये सब टॉपिक्स को छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके, 44 पढ़ो। एन इंश्योरेंस कंपनी बोरोज 50 मिलियन एट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम, द इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा एक बात बताओ तो बैंक देता कितना है, 4.5% और लेता कितना है, 14.5%, ठीक है। ऑब्वियस बात है ना, अभी तो लोन चल रहा है तो लोन का कितना होगा, 9, लोन खत्म होने के बाद देखो क्या दिया है, 7, पढ़ रहे देखो पढ़ो, जब तक तुम क्वेश्चन को फील नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम, द इंश्योरेंस कंपनी यूजेस द मनी टू इन्वेस्ट इन अ कैपिटल प्रोजेक्ट दैट पेज 6 मिलियन पर एनम पेबल हाफ ईयरली इन अरियर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर आधा साल में कितना मिलेगा, 3, हर आधा साल में कितना मिलेगा, 3, लोन कितने का, 50, लोन कितने का, 50, ओके, कितने साल तक देगा, इला पढ़ो तो 20 years, द इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज यूज टू रीपे द लोन, वंस द लोन हैज बीन रीपेड द इंश्योरेंस कंपनी कैन अर्न इंटरेस्ट एट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। बहुत सिंपल है, मैंने जो क्वेश्चन का टाइप बताया, जो क्वेश्चन का टाइप है वही तो है ये, इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना का, 7 का, कैलकुलेट द डीपीपी, कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो डीपीपी तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इस केस में डीपीपी सुनो, झमेला कंटिन्यूस में नहीं होता, झमेला होता डिस्क्रीट में, क्यों डिस्क्रीट में, बिकॉज इसमें हमेशा ग्रेटर लेना पड़ेगा, ग्रेटर मतलब बहुत मिनिमल ऐसा केस होगा कि एग्जैक्टली आंसर आएगा 10, ऐसा कभी नहीं आता है, वो समथिंग आएगा 15.36, मान लो इस केस में, मन से बोल रहा हूं, अगर मान लो आंसर आता है 15.36, तो आंसर कितना होगा इसमें, 15.5, अरियर में पैसा मिल रहा है ना आधे आधे साल में, तो आंसर कितना होगा, 15.5, हर आधे साल में पैसा मिल रहा है 3-3 का, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, एक मिनट, हर आधे साल में पैसा मिल रहा है 3-3 का, तो कितना, 15.5। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट डिस्कस कर रहे हैं, टी आएगा कुछ नहीं, तुम इधर बोर्ड पे ध्यान दो, टी आएगा 15.36, इसका मतलब क्या है, टी आ रहा है 15.36, इसका मतलब क्या है, हम जो सुनना चाहते हैं वो आंसर बताओ, हम बोल चुके हैं सब चीज, वो ठीक है, वो तो सबको पता है, जोर से बोलता हूँ, जोर से बोल, हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अगर 15, हाँ अगर 15.5 आंसर आता मतलब पूरा पैसा यूज हो गया है, 15.36 आ रहा है इसका मतलब क्या है, 15.5 पे कोई रेसिड्यू पेमेंट बचेगा, तो व्हाट इज द फ्लो ऑफ डूइंग द सम, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हाउ टू डू दिस, ये तो बहुत सिंपल है, कितना का लोन है, 50 का, प्लस 3, आई मीन सॉरी प्लस 6 ए टू एन, इसको क्या कर देंगे, 0, तो यहां से एन सॉल्व कर लेंगे, यहां से एन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15.36, कुछ मत देखो, रिविजन इधर बोर्ड पे देखो, मेरा सब देखा हुआ है, 15.36 आएगा,
अगर 15.36 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आंसर में जो 15.5 में जो तीन मिलेगा ना तीन, उसमें कुछ पैसा बचेगा मेरे पॉकेट में, उसको भी एक्यूमुलेट करेंगे 20 पे, उसको फेंक थोड़ी देंगे। तो सबसे पहले ये आया, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, डीपीपी इज 15.5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नोट लिखेंगे, सिंस द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली 15.5, अरे लिखना नहीं है, सुनो सुनो, तुम अपने मन से लिख सकती हो, यूर सेंट जेवियर्स ग्रेजुएट, ये सब लिखने का दरकार नहीं है। हम हिंदी मीडियम से पढ़ के, मेरे को इतना अच्छा इंग्लिश आता है, ये सब कोई लिखने का दरकार नहीं होता है। सुनो, 15.36, तो सिंस द मैथमेटिकल आंसर इज 15.36, दिस मीन्स, क्या मीन कर रही है, दैट द पेमेंट ऑफ 15.5 विल नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज, देयर विल बी सम रेसिड्यू। तो एक काम करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, 15.5 तक का पेमेंट्स को लेके एनपीवी निकालेंगे। तो एनपीवी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ना नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा एक बार बताओ, हम आज कहां खड़े हैं, हम कौन से टाइम पे खड़े, बताओ हम कौन से टाइम पे खड़े, 15.5 पे। हम 15.5 में बस 3 मिलियन आया, 2 मिलियन उसको दे दिए, 1 मिलियन आज बचा ना, 1 मिलियन इज वॉट द रेसिड्यू, एंड मैंने इसी रेसिड्यू का एनपीवी निकाला किस टाइम पे, जीरो पे। तो फिर क्या करेंगे, उसको अक्यूमुलेट करेंगे 15.5 साल तक, रेट क्या देख के बताओ, 15.5 साल तक रेट क्या, 9, 15.5 के बाद रेट कितना, 7। तो 15.5 पे पेमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एनपीवी निकालेंगे, जो एनपीवी आएगा फिर उसको क्या करेंगे, अक्यूमुलेट किस टाइम पीरियड पे। सर करना है तो सीधा 20 में कर दीजिए, फर्क क्या पड़ता है, या फिर पहले 15.5 पे ले आइए उसको, तो 15.5 तक किसमें अक्यूमुलेट होगा, 9 पे, उसके बाद 7 पे। देखो ये 15.36 आ गया, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, पहले एक बार लिखो, हम लिखवा दे रहे, डीपीपी इज इक्वल टू गोमी, ठीक है, -50 + 6a2n इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट n इज इक्वल टू, फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स ईयर्स देयरफॉर, थोड़ा रफ में नोट्स लिखवा रहे हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू, आई मीन डीपीपी इज इक्वल टू 15.5 ईयर्स, देयरफॉर डीपीपी इज इक्वल टू 15.5 ईयर्स। नोट, दिस मीन्स द 3 मिलियन इनफ्लो, दिस मीन्स द 3 मिलियन इनफ्लो ऑन, दिस मीन्स द 3 मिलियन इनफ्लो ऑन 15.5 विल नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, फुल्ली यूटिलाइज फॉर वॉट, फुल्ली यूटिलाइज फॉर पेइंग द लोन, फुल स्टॉप। सम रेसिड्यू विल बी लेफ्ट देयरफॉर एनपीवी टिल टाइम 15.5, तो लिख दो क्या होगा, -50 + 6a2 15, ठीक है। पार्ट टू का आंसर लिखना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 6s2 क्या होगा, 4.5 एट द रेट, इसी का बोलो एट द रेट 9%, तो बेटा लोन का रेट था 7%। बैंक ऐसा नहीं है, बैंक नौ पे पैसा देता है, लेकिन 7% पे हम लोग को देगा पैर इंटरेस्ट, ठीक है। तो 6a2 4.5 एट द रेट 7% प्लस
जो एनपीवी निकाले थे ना, एनपीवी निकाले थे ना, उस एनपीवी को करेंगे इनटू, लिख दो एनपीवी इनटू प्लस एनपीवी इनटू 1.09 प्लस एनपीवी इनटू 1.09 टू द पावर 15.5, 1.09 टू द पावर 15.5 इनटू इनटू क्या होगा बताना, 1.07 टू द पावर 4.5 प्लस सॉरी इनटू 1.07 टू द पावर 4.5। ठीक है, एक मिनट का टाइम देना, और देख रहे कुछ है क्या इसमें डीपीपी में। बीस साल है ना, तो 15.5 तो लोन चुकाने में लग गया, और बचा कितना, 4.5 साल और बचा ना, उसमें पैसा अक्यूमुलेट होगा। लाइक 15.5 से 20 ईयर्स का पैसा जो बचेगा ना, ऐसे आएगा ना 20 में। हम एस बोले कि ए बोले, एस एस एस, पहले वाले में ए होगा, हाँ सेकेंड वाले में एस होगा, हाँ 6S2 4.5 प्लस एनपीवी का अक्यूमुलेटेड वैल्यू। हाँ बोल, 21 वाला पूरा नहीं कराएंगे, एक मिनट हम उसी में आ रहे थे, एक मिनट को 32 लिखना होमवर्क, होमवर्क 3 and 21, क्वेश्चन नंबर 3 and 21। अब सुनो एक बार, प्लीज प्लीज ऐसे इस बात तो एकदम नहीं करना, एकदम एक सेकंड भी टाइम नहीं है, बस तुम लोग बहुत फालतू टाइम है, मेरे पास एक सेकंड भी टाइम नहीं आज, कोई बात नहीं होगा। थ्री ए पर आना, थ्री ए पर आना, एक बार थ्री को ना पर्सनल लेवल पे रीड कर लो, एक बार दो मिनट का टाइम दे रहे, थ्री को एक बार पर्सनल लेवल पे रीड कर लो। कौन सा बोला, ठीक है देख तेरे को करा देते एक बार, फिर तुमको अलग से करा देते। बिकॉज हर साल का पेमेंट जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है, तो ये जो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो 20 यहाँ पर थ्रू आउट हो रहा है, ठीक है। तो 20 जब ए बार वन करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ 23 हो रहा है, तो 23 ए बार वन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ कैसे वे स्क्वायर। थ्री में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, थ्री में वहीं पर रिविजन नोट के ऊपर में नोट लिखो, देखो नोट टू क्वेश्चन नंबर थ्री, नोट टू क्वेश्चन नंबर थ्री। तो नोट में ये लिखना है, ए वाले डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग पढ़ा होगा वो लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लैंड खरीद रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स करके रेंट कमा रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए। अब रेंट कमा रहे किसी में 2 साल, किसी में मैं पढ़ा नहीं ढंग से, किसी में 2 साल 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, ऐसे रेंट कमा रहे हैं एंड फिर उसको बेच दे रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। इसको बैटरी कब चेंज किया था, अभी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको मतलब देख के फील आता है अंदर से, कैसा फील आता है बताएं, कि अगर मेरे को एनपीवी को पॉजिटिव करना है या फिर पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को अचीव करना है तो सेल प्रोसीड्स को होना ही पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स को होना ही पड़ेगा। देखो एक बार फिगर का अमाउंट देखो, 5 लाख रेंटल इनकम मिला सबको, सर इंक्रीज भी हो रहा है, वो सब छोड़ दो 5 लाख दिख रहा है, एंड जस्ट ऊपर में आना, खर्चा देखो कितना हुआ, डबल हो रहा है, 10x। उसके बाद में भी देखो 70 लाख दिखा, तो कोई भी हालत में तुम 5 साल भी रेंट कमा लेगा ना, कोई भी हालत में उतना अचीव होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए डीपीपी का सम है नहीं ओरिजिनली, एक कॉन्सेप्चुअल सम है, कि मतलब अगर डीपीपी वाइज जाएंगे, अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगर डीपीपी वाइज जाएंगे तो कैसे कैसे होगा बताना,
जो 3 साल में बिका उसमें 3 साल, आई गेस इसमें एक में हो ही नहीं रहे, एक बार सोल्यूशन में आना, सेकंड वाले में नहीं हो रहा ना, आई चेक करो सोल्यूशन में आना तुम्हें। हाँ हाँ डीपीपी अचीव ही नहीं हो रहा है इसमें, तो सेकंड वाले में तो डीपीपी अचीव ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में तो डीपीपी अचीव ही नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में है, तो अगर हम लोग वैल्यू वाइज जाएंगे तो कुछ और आंसर आ रहा है मेरे को जहां तक लगता है, और अगर डीपीपी वाइज जाएंगे तो आंसर क्या आएगा प्रोजेक्ट वन। अच्छा वैल्यू वाइज अगर जाते हैं देखो, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया, सब क्वेश्चन पढ़ लेना तुम लोग, बोला होगा अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू वाइज जाएंगे तो कितना होगा, वैल्यू वाइज जाएंगे तो देखेंगे कंपेयर कर लेंगे तीनों को, तीनों को कंपेयर कर लेंगे तो कौन सा आंसर आएगा लास्ट वाला। ओके फिर एक तो क्वेश्चन दिया उसमें, वो तो ठीक है, बस ये चीज बताना था कि नोट नोट नहीं लिखवाया ना, लिखो इन दिस सम, इन दिस सम अ नाइव पर्सन, नाइव मतलब नौसिखुआ, एन ए आई वी ई लिखो ना, नाइव मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आया, न्यू लिखना, अ न्यू पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, अ न्यू पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू अचीव डीपीपी, अ न्यू पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू अचीव डीपीपी, a new person can also understand that in order to achieve DPP, sale proceeds got to take place. Sale proceeds, sale got to take place. ठीक है, ये था, ओके, तो ये था थ्री, बोलो, बोला बोला, कुछ नहीं लिखाने का था, तुमको पता है अब तुमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी करना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके चीज, कितना प्रैक्टिस करेगा, बोर हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सी एस वन फिर से फीस नहीं देगा मेरे को, सी एस वन सी एम टू बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है ये सब तो डिस्कस कर दिए। ब्लू क्लास में सर बाद में बात करें। 21 पूरा नहीं बता रहे, 21 का बस खाली अब हम थीम डिस्कस कर दे, पढ़ना नहीं पड़ेगा 21, एक बार थीम डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग भी CT5 प्रैक्टिस कर रहा था अभी तक, हम आज जिस ऑर्डर में बोले हैं उसी ऑर्डर में घर में जाकर पहले प्रैक्टिस करेगा, मे बी 3 दिन लग जाए, मे बी 4 दिन लग जाए, फिर देखेगा CT1 एकदम पूरा कंक्रीट हो गया है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जिस तरीके से करा रहे हैं। 21 का हम बेसिक्स डिस्कस कर दे रहे, सुन लेना क्या हो रहा है, 21 में क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज होने से अब जैसे देख रहे हैं पानी का कमी हो रहा है, भूकंप आ रहा है, वाटर लेवल टूट रहा है, तो बोलता है ये सब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है फसल नहीं, अब जैसे इतना बारिश हो रहा है कि कल क्लास ही नहीं हुआ, लॉस तो हो ही रहा है ना, तो बोलता है क्लाइमेट, मेरे छोटे लेवल बनाओ सर, मैक्रो सोचो, इकोनॉमी के बारे में सोचो, कभी बारिश हो रहा है तो हो ही जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो बोलता है क्लाइमेट चेंज होने से कुछ खर्चा भी हो रहा है, कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, बट देख के पता क्या लग रहा है, देख के पता क्या लग रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा है रादर देन बेनिफिट, तो नेट प्रेजेंट कॉस्ट लग रहा है, नहीं समझा, खर्चा बहुत ज्यादा है, इनफ्लो बहुत कम है, तो हिसाब से देखा जाए तो क्या लग रहा है, खर्चा नेट में ना इनफ्लोज नेट में, खर्चा, तो अगर हम उसका पहले देखेंगे तो पहले मेरा कुछ खर्चा लग रहा था, फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़, मेरा कुछ खर्चा लग रहा था, फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ रुपीज लग रहा था, अभी क्या बोलता है, बोलता है एक नया टेक्नोलॉजी आया है, CST टेक्नोलॉजी, कार्बन स्टोरिंग टेक्नोलॉजी, कार्बन स्टोरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी का काम क्या है, इसको लगाने के लिए मेरा कुछ खर्चा लगेगा, सबसे पहला बात तो इसको लगाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, एंड इसका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट, बोलो मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मान लो इसको लगाने का खर्चा है 200 करोड़, एंड इसका रेगुलर मेंटेनेंस खर्चा है 5 करोड़ एवरी ईयर, ठीक है, तो जितना साल का भी प्रोजेक्ट है, तो इसका लगाने का खर्चा है 200 करोड़, एंड इसको 1500 कर दो, एंड इसका मेंटेनेंस खर्चा मान लो 5 करोड़, ठीक है, तो CST लगाने का खर्चा ये हुआ। अब बोलते हैं CST लगाने से, CST को लगाने से पुराना जितना भी सारा खर्चा था या फिर जो बेनिफिट्स था वो सब क्या हो जाएगा, जीरो, तो पहले तो नेट नेट क्या लग रहा था, खर्चा ना बेनिफिट,
खर्चा, तो पहले का जो खर्चा का जो प्रेजेंट वैल्यू जो था वो कितना था नेट का, अरे नेट लिखे हैं मतलब क्या, इसमें बेनिफिट्स माइनस किया हुआ है, तो सीएसटी लगाने से मेरे को नेट में बेनिफिट कितने का हो रहा है, 1500 का। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, पहले बोलता है पहले कुछ खर्चा लग रहा था, ठीक है। तो अब तुम एक चीज को बाय कर लिया है, उसका लगाने का इतना है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस इतना है, तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहे, बोलो सीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि सीएसटी लगाना है कि सीएसटी नहीं लगाना है। तो सीएसटी कब लगाएंगे, सीएसटी कब लगाएंगे, जब ये वाला का प्रेजेंट वैल्यू विल बी लेस देन ये वाला का प्रेजेंट वैल्यू, जब ये वाले का जो प्रेजेंट वैल्यू विल बी लेस देन 1500, तभी तो लगाएंगे ना। सीएसटी लगाने से डायरेक्ट कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ पैसा आ नहीं रहा, बट पहले जो खर्चा लग रहा था ना वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आज मेरा एवरेज में एक दिन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1000 ऑनेस्टली, ठीक है। तो हम सोचे गाड़ी खरीद लेते हैं, तो गाड़ी खरीदने कितने रुपये लगेगा, 7 लाख से नीचे वाला गाड़ी में बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो 7 लाख का गाड़ी खरीदे, गाड़ी हम चलाएंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ड्राइवर रख लिए 15000 महीने का, अब ड्राइवर का चाय पानी का खर्चा सब कुछ ले लगे, तेल तेल का खर्चा, तो ये सारा अब हमको डिसीजन मेकिंग करना है कि हमको उबर में ही जाना चाहिए कि हमको गाड़ी ले लेना चाहिए। उबर में जाना बंद कब करेंगे बताओ, बहुत लॉजिकल है बताओ, टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट तुम लोगों ने, भैया टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या होगा, एक गाड़ी का लाइफ ले लो, गाड़ी का लाइफ कितना होता है, 5 साल, ठीक है। तो 5 साल, 5 साल पर गाड़ी का रेसिडुअल वैल्यू ले लो 2 लाख रुपया, 3 लाख जो भी। तो उबर में जाना उस दिन बंद करेंगे जिस दिन, साल का कितना हो गया, साल का कितना हो गया, 1000 × 365, अब मान लो 250 वर्किंग डेज होता है तो 2.5 लाख हो गया। अब ये बताओ कि उबर में जाना बंद कब करेंगे, हाँ बोलो, ये वाला नहीं समझा एग्जांपल, किसको नहीं समझा एग्जांपल, हाथ उठाओ, तुमको समझा क्या बताया इसमें, ये पता है नॉर्मल डिसीजन मेकिंग है ये, तुमको मतलब CT1 नहीं, ये नॉर्मल डिसीजन मेकिंग है। हम उबर में जा रहे हैं, एक दिन का 1000 रुपया, तो साल का कितना हो गया, 2.5 लाख, 250 वर्किंग डेज। बोलता है अगर आप गाड़ी खरीद लेंगे ना, आप अगर ये वाला मान लो 15000 महीने का मेंटेनेंस है, आप अगर ये सब कर लेते हैं तो ये वाला खर्चा क्या हो जाएगा, जीरो। तो 5 साल का है तो 5 साल का इसका NPV निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो 5 साल का इसका NPV आ रहा है 10 लाख, ठीक है। तो मतलब 5 साल का अभी मेरा नेट प्रेजेंट कॉस्ट कितना लग रहा है, 10 लाख। अब पहले इसका हम सबका क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और देखेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, अगर आप अच्छा एग्जाम्पल ले रहे, अगर 10 लाख से कम आएगा तो बताओ गाड़ी खरीदे कि नहीं खरीदे, खरीदना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेना, इसमें एक पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, एक्सप्लेन व्हाई द प्रोजेक्ट मस्ट हैव अ DPP व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 1.5% एंड द IRR इज हायर देन 1.5%। पूर्ति कभी क्या कह रहे हैं, इसकी पूर्ति करिए आप। इंटरेस्ट रेट, सॉरी हाँ, मैंने बोलना चाहता है इंटरेस्ट रेट कितना है, 1.5% एंड IRR इज हायर देन 1.5%। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो DPP अचीव होगा, बताओ। 1 मिनट टाइम दे रहे, बताओ, आराम सोच लो। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इंटरेस्ट रेट 1.5% है, ये लास्ट इसका मतलब, नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, इंटरेस्ट रेट 1.5 है, IRR ग्रेटर देन 1.5 है, तो बताइए कि DPP अचीव होगा कि नहीं होगा। अगर तुम नहीं आंसर कर पाओगी तो श्रद्धा आंसर करेगी, फिर आस लिखा हुआ है, वेरी गुड श्रद्धा, बोलो जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इसको, कुछ नहीं सुन रहा, ये बोल रहा है विकास, IRR 1 नहीं, IRR 1.5 से बड़ा है, और क्लियर, हैंड्स रेस, कौन किस किस बात है, भूमिका बोलो जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है,
कैसे कैसे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम जिसको बोलेंगे वही। ए बाबू तुम लास्ट बेंच, हाँ कोना में, एजुकेट के, हाँ आगे, हाँ बोल। अरे तुम नीचे झुक, दिख ही नहीं रहा मेरे को। हाँ बोल, क्या बोले मतलब, आंसर बोल, छोड़ दो। रक्षा, सुनो, आयरर अगर 1.5 से बड़ा है, हमेशा एग्जाम्पल लेना सीखो तभी समझ में आएगा। मान लो 3% अगर, ठीक है 3% नहीं समझ आ रहा है तो 2 कर लो इसको। मान लो आयरर 2% है, तो 2% का मतलब क्या, अगर 2% भी टानते तो मेरा एनपीवी कितना आता, जीरो। टान कितना पे रहे हैं, डेढ़, मतलब कम पे टानेंगे तो एनपीवी बढ़ेगा, तो एनपीवी पॉजिटिव हो रहा है। अब एनपीवी पॉजिटिव हो रहा है, एनपीवी स्टार्ट कैसे करता है, एनपीवी का ग्राफ ऐसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ज्यादा, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, ह्यूज आउटफ्लो, फिर धीरे धीरे रेगुलर इनफ्लोज एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, एंड एट द एंड देयर इज अ टर्मिनल इनफ्लो। ये होता है कैपिटल प्रोजेक्ट का नेचर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एनपीवी नेगेटिव हुआ होगा, बट अगर डेढ़ पे टान रहे और आईआरआर 2 है तो इसका मतलब क्या है, तीन स्टेप में है, ठीक है। लिखो वहीं पर, ऊपर में लिख लो वहीं पर ऊपर, नोट नोट नोट। लेट्स से आईआरआर इज इक्वल टू 3%, लेट्स से आईआरआर इज इक्वल टू 3%, व्हेन पुलिंग एट द रेट 3%, एनपीवी इज इक्वल टू 0। व्हेन पुलिंग एट द रेट 3%, एनपीवी इज इक्वल टू 0। क्या ठीक है, एक ही बात है, लोकल लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। व्हेन पुलिंग एट द रेट 3%, एनपीवी इज इक्वल टू 0। व्हेन पुलिंग एट द रेट 1.5%, व्हेन पुलिंग, ऐसे मत लिखना, एक्शन दिखाना, व्हेन पुलिंग एट द रेट 1.5%, कैसे दिखा बता दो, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ऐसे तो एनपीवी बढ़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज, थोड़ा स्पेस एडजस्ट करना एक बार, दिस इंप्लाइज, बोर्ड पे देखते जाना कैसे कर रहा हूं, एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव लास्ट, ये हिंदी में लिखवा रहे हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे, लिखो, कभी ना कभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा, कभी ना कभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा, उस पॉइंट को डीपीपी बोलेंगे, ऐसे हिंदी में लिख लो। हाँ कभी ना कभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा, उस पॉइंट को डीपीपी बोलेंगे। कभी ना कभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ठीक है। विकास स्टॉप करके स्टार्ट करो। टू मिनट स्ट्रैटेजिक ब्रेक। क्या चीज़?